अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान, आप देख रहे हैं वीडियो वाला भाई। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास दो कैट्स थे, दो बिल्ले थे घर पे मैंने रखे हुए थे, तो वो दोनों ना मैंने बहुत प्यार से पाले थे, लेकिन उनको कोई मसला हो गया था, वो बीमार हो गए थे। और उनको ना एक बिल्ले को तो जो मेल था उसको मोशन लग गए थे, और जो फीमेल थी उसको भी मोशन लग गए, फिर उसकी आँखें उल्टी सीधी हो गई और कुछ ना कुछ मसला उनको हो गया। तो मैंने मेरे घर वाले भी गुस्सा करते थे क्योंकि वो जगह जगह पे गंद डालते थे, पोटी वगैरह कर देते थे। मैंने बहुत दिनों से उनको गोश्त खिला रहा था, 2 महीने के तकरीबन, ना बच्चे थे ना बड़े थे, शायद वीडियो में आपने देखे भी होंगे, वरना ये मैं फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। तो आज मेरा छोटा भाई, उनको दरबार है हमारे पास ही कब्रिस्तान, उसमें छोड़ आया वो वहाँ पर, तो उनको मेरे सुबह उठने से पहले ही छोड़ दिया उसने वहाँ पर उसको, लेकिन उनको कुछ खिलाया पिलाया नहीं। अभी जब मैं उठा हूँ तो 10-11 का टाइम है, मैंने उनसे पूछा कि वो भूखे ही छोड़ दिए, बोला भूखे ही छोड़ दिए, मैंने नहीं खिलाया कुछ भी। अभी उनका गोश्त घर पे रखा हुआ था तो मैं वो लेके शॉपर में, ये देखें शॉपर गोश्त का है ये वाला, ये मैं लेके फ्रिज में रखा हुआ था, लेके आया हूँ दरबार पर और ढूँढ रहा हूँ उनको, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रहे। चलो थोड़ी देर और ढूंढते हैं, तकरीबन पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो नहीं मिल रहे, वो तो नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा पानी खड़ा हुआ है, ये खड्डे में यहाँ देखे पानी खड़ा हुआ है, इसमें दो मछलियाँ हैं। मैं बैक कैमरा हूँ यहाँ पर दोस्तों, इस खड्डे में ये बारिश का पानी खड़ा हुआ है, पता नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ यहाँ मछलियाँ आई कहाँ से हैं, बारिश में तो मछलियाँ नहीं गिरती। ये बहुत ना वीरान सी जगह है, तो ये आबादी के अंदर ही है ये जगह, यहाँ पे ये बहुत से जानवर हैं। ये देखें यहाँ पे ये बतखें भी हैं, ये बड़ी वाली बतखें हैं ये, और वहाँ पे वो आगे देखें वो छोटी बतखें भी हैं, और यहाँ पे मुर्गियाँ भी हैं, वो मुर्गियाँ और मुर्गे वगैरह बहुत से जानवर हैं। लेकिन मैंने ये सारा एरिया तलाश कर लिया, परली तरफ कब्रें हैं, कब्रों में भी देख लिया, लेकिन मेरी कैट्स मुझे नहीं मिली, दोनों को छोड़ दिया उन लोगों ने यहाँ पे। अभी मेरा जो है दिल उदास हो रहा है, मैं उनको बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, मैं काम पे भी नहीं गया आज, इसी चक्कर में नहीं गया। और यहाँ पर देखें ये बड़ा बिल्ला है, वो रहा बड़ा बिल्ला घूम रहा है, ज़रूर इसने उनको मारा होगा, वो दरख्त के पास बैठा हुआ मेरी तरफ ही देख रहा है, इसने उनको मारा होगा, या तो इसने मार कर भगा दिया होगा उनको, या फिर वो पता नहीं किधर गए। और ये एक तो यहाँ पे कव्वे हैं, उन कव्वों ने मेरा जीना दुश्वार किया हुआ है, जब से मैं आऊँ मेरे ऊपर ही मंडरा रहे हैं, शोर कर रहे हुए हैं, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे ये दरख्त भी बहुत ख़तरनाक है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, दरख्तों के साथ बहुत ज़्यादा तावीज़ बांधे हुए हैं लोगों ने, तो दोस्तों दुआ करें कि कैट्स मुझे मिल जाएं, अगर मुझे मिल गए तो मैं उनको शायद साथ ही ले जाऊं। चलें इस जंगल में थोड़ा सा आगे की तरफ देख लेते हैं, मछली जब मैंने दूर से देखा तो वहाँ फुदक रही थी, जब पास गया हूँ तो वो दिख ही नहीं रही। मैंने 5 मिनट तक वीडियो बनाई उसकी, सिर्फ एक दफ़ा नज़र आई थोड़ी सी। यहाँ पर लोगों ने जो भी कोई फालतू की ऐसी वैसी चीज़ होती है यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये देखें लोग गंदे काम करते हैं, गंदे काम करके जो गंदे काम की बाकियात होती हैं वो यहाँ पर दरबार वगैरह पर फेंक देते हैं। अब मैं आगे जा रहा हूँ थोड़ा सा अंदर। टाइगर, शायद यहाँ से ऊपर चढ़ गए हों किसी के घर। ये दोस्तों यहाँ पर ये कब्रें शुरू हो गई, ये भी एक कब्र है, और ये आगे कब्रिस्तान है सारा। चले मैं थोड़ा सा आगे और देख लेता हूँ, फिर उसके बाद मुझे घर से फ़ोन आ रहे हैं, मैंने नाश्ता भी नहीं किया बहुत देर से,
मैं बिल्लियों को ढूंढ रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे चकोरे हैं, ये शायद हमने पहले भी देखे थे अपनी वीडियो में, एक दरबार का व्लॉग बनाया था उसमें थे ये चकोर। ये चकोर का बच्चा भी है और चकोर भी है। वो तो नहीं, ये पता नहीं एक और किसका बिल्ला आ गया और अभी इसको गोश्त की खुशबू आ गई है, पर ये जाने वाला नहीं लगता तो है। ये किसी का पालतू है या फिर ये बदमाश बिल्ला। चले मैं इसको थोड़ा गोश्त डाल दूँ। मेरे बिल्लों की तो किस्मत में नहीं है, चलो आप तो खाओ। ये बिल्ली पता नहीं किसकी है, ये तो काफ़ी बड़ी है, मेरे बिल्ले तो इससे छोटे थे। तो गाइस चलते हैं फिर, बिल्लियां तो नहीं मिल रही, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मायूस होकर जा रहा हूँ वापस। बोट ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। दोस्तों यहाँ पर छोड़ा था बिल्लियों को, ये देखें यहाँ पे ये तोड़ा भी पड़ा हुआ है, जिस तोड़े में डाल के उनको वो छोड़ के इस जगह पर छोड़ के गए, लेकिन अभी वो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे। दोस्तों मैं अभी जा ही रहा था यहाँ से तो मुझे एक बिल्ली की आवाज़ आई, तो यहाँ पे मैंने देखा मेरा बिल्ला, मेरा टाइगर यहाँ पे बैठा हुआ है। टाइगर लग गए बिल्ला, एक लभ्या यार, दूजा भी इतनी है ये तो दूजा गई है ना, दूजा नहीं हैगा एक ही है, ये बिल्ला हैगा, बिल्ली नहीं नजर आ रही। और मैं फिर लभन आया सी लभ के, और मैं जा रहा सी वापस दोस्तों मुझे बहुत खुशी हुई है जो मुझे ये बिल्ला मिल गया है। टाइगर, अरे टाइगर, हाँ क्या बात है, क्या बात है टाइगर, क्या हुआ आप इधर छुपे हुए? हाँ जी जी, क्या है, क्या बात है, डर लग रहा है आपको? किसी बिल्ली ने मारा तो नहीं आपको? ये लो ये खा लो। आपकी कैटो कहाँ है टाइगर? कैटो किधर गई? टाइगर देखे, मेरे बुरी हालत होगी, पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, लेकिन बिल्ले को मैंने ढूंढ लिया, अभी वो यहाँ पे खा रहा है। बेचारा बहुत ज़्यादा भूखा था तो खाए जा रहा है।